आज हम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे फिनॉल की, जिसमें हम लेंगे फ्राइस रीअरेंजमेंट। फ्राइस रीअरेंजमेंट के अंतर्गत फिनोल एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करके फिनाइल एसीटेट बनाता है तथा AlCl3 एंड CS2 सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का निर्माण होता है। यह रिएक्शन सामान्य ताप पर यानी कि लेस देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओनली पैरा आइसोमर बनाते हैं, जबकि हाई टेम्परेचर पर लेस देन दैट इज लेस देन 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑर्थो आइसोमर बनता है। नेक्स्ट, पैरा मेटाक्रिसोल, मेटाक्रिसोल मीन्स OH एंड CH3 ग्रुप पेंजिनी की मेटा पोजिशन पे यानी 1,3 पोजिशन पे होता है, जिसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करने पर मेटा टोलाइल एसिटेट बनता है। मेटा टोलाइल एसिटेट की AlCl3 से रिएक्शन करवाते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो 4-हाइड्रोक्सी-2-मिथाइल-एसिटोफिनोन एंड 2-हाइड्रोक्सी-4-मिथाइल-एसिटोफिनोन बनता है। यदि ऑर्थो स्थिति पर कोई प्रतिस्थापी या सब्सिट्यूएंट हो तो यील्ड कम उपलब्धि में एक ही उत्पाद प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल, ऑर्थो ऑर्थोमिथाइल एसिटेट या बेंजोएट की AlCl3 से रिएक्शन करवाते हैं तो 3-मिथाइल-4-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का निर्माण होता है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म्स। RCOO C6H5 रिएक्ट विद द AlCl3 एंड द ओ पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव एडिशन प्रोडक्ट बनता है, जिसके फलस्वरूप OAlCl3 बेंजीन से जुड़े होते हैं एंड RCO मॉलिक्यूल से निकल जाता है। नाउ RCO इज ए इलेक्ट्रोफाइल एंड विच इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज। नाउ दिस एसिटाइल कार्बोकेटायंस अटैक एट ऑर्थो पोजिशन, देन HCl मॉलिक्यूल इज लिबरेट आउट एंड देन वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट आउट एंड वी फॉर्म द ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्काइल कीटोन। दिस इज द फ्राइस रीअरेंजमेंट, जिसके अंतर्गत अंतः अणु मैकेनिज्म आया जाता है। यह रीअरेंजमेंट अंतरा अणुक विधि द्वारा भी होता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म, जिसमें कि मॉलिक RCO मॉलिक्यूल के अंदर माइग्रेट कर जाता है एंड फिट HCl मॉलिक्यूल निकल जाता है एंड देन OH एंड AlOH twice, दिस इज द फ्राइस पुनर्विन्यास की अंतरा अणु क्रिया विधि है। नेक्स्ट, क्लेंजन रीअरेंजमेंट। क्लेंजन रीअरेंजमेंट एलिल और एरिल ईथरों को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अकेले गर्म करने पर रीअरेंजमेंट होकर एलिल फिनॉल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्लेंजन रीअरेंजमेंट कहते हैं। यहाँ पर कैटलिस्ट की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। सो द ऑर्थो एलाइल ईथर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी एलाइल बेंजीन बनता है। यदि ऑर्थो पोजीशन पर कोई सब्सिट्यूएंट हो तो एलाइल ग्रुप पैरा सब्सिट्यूएंट पर रीअरेंजमेंट हो जाता है। सो CH3 एट ऑर्थो पोजीशन एंड द ऑर्थो पोजीशन इज ऑक्यूपाइड, देन द रीअरेंजमेंट एलाइल ग्रुप का पैरा पोजीशन हो जाता है। मैकेनिज्म्स, गामा पोजीशन पर C14 आइसोप्रोपाइल एलाइल ग्रुप का उपयोग करते हुए यह पाया जाता है कि रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट में आइसोटॉप गामा कार्बन बेंजीन से जुड़ जाता है, अर्थात
एलाइल ग्रुप में बंधन रिवर्स हो जाता है. सो द गामा पोजीशन पर हम जो कार्बन ले रहे हैं दैट इज़ द C14 कार्बन, जो उसमें की रीअरेंजमेंट होता है, एंड दिस इज द रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट. नाउ द इंट्रा मॉलिक्यूलर क्लेंज एंड रीअरेंजमेंट, यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर ही रीअरेंजमेंट होता है और C14 एटम का अरेंजमेंट ऑर्थो पोजीशन पर हो जाता है. यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है एंड एज ए रिजल्ट द एलाइल कार्बन, सो द ऑर्थोहाइड्रोक्सी एलाइल बेंजीन का निर्माण होता है. नेक्स्ट पैरा रीअरेंजमेंट की क्रिया विधि दो स्टेप में होती है. प्रत्येक चरण में बंधन उल्टा होता है. उत्पाद बिना उल्टे बंध युक्त एलाइल समूह सहित प्राप्त होता है. क्लेंजर रीअरेंजमेंट एक भिन्न अभिक्रिया वर्ग के अंतर्गत आता है जिसको कि हम सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट कहते हैं. नेक्स्ट गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस. गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस के अंतर्गत एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में फिनोल की अभिक्रिया HCN में HCl के मिश्रण से करवाने पर इंटरमीडिएट पैरा हाइड्रोक्सी बेंजामीन के हाइड्रोलिसिस से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड प्राप्त होता है. इस अभिक्रिया को गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस कहते हैं. फिनोल C6H5OH HCl एंड HCN इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, सो वी ऑब्टेन द पैरा हाइड्रोक्सी बेंजामीन विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव द पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड. नाउ नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. इस अभिक्रिया में इंटरमीडिएट इमिडो फॉर्माइल क्लोराइड बनता है जो एरोमेटिक रिंग पर फॉर्मुलेशन की भांति अटैक करता है. HCN plus HCl AlCl से, so we obtain the imidoformyl electrophile. Now this phenol react with the imidoformyl chloride, it loses the HCl molecule and we obtain the intermediate. Then it react with the H ions and loses the water molecule and we obtain the parahydroxy benzaldehyde. This is all about the mechanism of the Gatterman aldehyde synthesis. Thank you.